आज जो कानून हमारे सामने लाया गया है CA NRC एम्प्लॉय, इस पर जो तो मेरे से पहले मेरे से वक्ताओं ने बेहतरीन अंदाज में बात की नहीं हुई, लेकिन मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमारी नाकामिया भी थे और कुछ वजूहत होंगे, लेकिन मैं एक मेरी तहजीब का एक तालिब इल्म हूं, मेरे कल्चर का एक वारिस हूं, इसलिए मैं उस ताल्लुक से बात करूंगा। क्या वजह है कि जिस कौम के पास दूसरी कौम अपनी अमानत रखकर डरती थी, आज मैं कौम उसी कौम को गुनहगार की निगाह से देख रही है। क्या वजह है, इस पर हमें सोचना होगा, समझना होगा। आज उनके हालात इस तरह बदल गए कि हजार सालों से साथ रहने वाला हिंदू मुस्लिम समाज एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हमें सोचना होगा कि किस तरह मेरे इतिहास को मिटाया गया, किस तरह मेरे तहजीब की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह मेरे कल्चर को बर्बाद किया गया। आजादी से लेकर अब तक हमने कभी अमेरिका को गाली दी, कभी इसराइल को गाली दी, आज RSS और मोदी को गाली दे रहे हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि उन्हीं लोगों ने किस तरह मेरे तारीख को बदनाम किया, किस तरह मेरे बाप दादा को, मेरे असनाफ को गुनहगार बनकर दूसरे कौमों के सामने पेश किया। आज अक्सर ने उस असनाफ के नाम में बादशाह अकबर इकबाल की कूट, मैं आपको बताऊंगा इन तीनों को किस तरह बर्बाद किया गया, किस तरह बदनाम किया गया। अल्लामा इकबाल को आप सब जानते हैं, इकबाल के फलसफे को समझने के लिए शाही का दिमाग चाहिए, वही इकबाल को मराठी लिटरेचर में बदनाम किया गया। एक किताब मराठी में छपी है जिसकी लाखों कॉपियां बिकी है, भावना माई का सर पुस्तक का जना हुआ आमी और आम का बाप। उस किताब में लेखक लिखता है, अपनी बेटी का एक लेटर कोट करता है, उसमें लेखक लिखता है कि इकबाल का सारे जहां से अच्छा गीत पढ़ने के बाद मुझे इकबाल की राष्ट्र मित्रता और देश प्रेमी को सलाम करना चाहता हूं। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, वही इकबाल पाकिस्तान कैसे चला गया, मैं ये सोचना चाहता हूं। काश मैं तारीख को जानता, काश मैं इकबाल की कुर्बानियों को समझता, तो जाकर उसको पूछता, इकबाल का देहांत, इकबाल का इंतकाल 1937 में हुआ, देश का बंटवारा 1947 में हुआ, तो इकबाल पाकिस्तान कैसे जा सकता। तालीमत बचाइए, सोचना होगा। आज हम टीपू का नाम लेते हैं, टीपू के साथ उनकी दुश्मनी सिर्फ मुसलमान होने की वजह से नहीं है, इस बात को समझना होगा। टीपू के वालिद हैदर अली, जानते हैं हैदर अली के बारे में, वो हैदर अली जिनके पीठ के ऊपर कैंसर की जख्म होने के बावजूद हजारों मील तक अंग्रेजों को खदेड़ते रहे, वो हैदर अली जमातवादी संघवादी इतिहासकारों को क्यों खटकता है। वो मुसलमान होने की वजह से खटकता नहीं है, वो इसलिए खटकता है कि हैदर अली ने इस मुल्क का पहला छुआछात के खिलाफ, गैर मनमानी के खिलाफ कानून बनाया था। हमने पढ़ाई हैदर अली के पास उस वक्त के गरीब भाई है और कहा कि हैदर अली यहाँ के नायर हमें जो है तो नाइंसाफी करते हैं, हम तो जुर्म करते हैं। तो उस वक्त हैदर अली ने 1766 का दौर है, हैदर अली कहते हैं एक कानून बनाया हैदर अली ने और उसमें यह कहा कि आज से दलितों का मर्तबा नायों के बराबर रहेगा। उस दौर में एक प्रोजेक्ट एक रिवाज था कि नायरों के घोड़ों के पीछे दलितों को भागना होता था, वो रिवाज वो छता हैदर अली ने बंद की। और सबसे बड़ा भाव कानून छो तो मनुस्मृति में माता लेला हत्या अकेला अधिकार वापस जब तुम जी रहे थे हैदर अली ने तुम्हें लाए। उस वक्त में दलित समाज को हथियार रखने की इजाजत नहीं थी, हैदर अली ने कानून बनाकर दलित भाइयों को हथियार रखने का अधिकार दिया। तो बात हमें बता सकते वो टीपू सुल्तान जो इसी माटी का बेटा है, वो आपका ही भाई है, वही आपके बहुजन समाज में पैदा हुआ है, उसको बदनाम किया गया। 2 से 3 साल पहले एक वीडियो क्लिप यहाँ के लोकल चैनल के ऊपर घूम रही थी जिसमें कहा गया कि टीपू सुल्तान ने 1742 में 5000 अयंगर ब्राह्मणों का कत्ले आम किया। क्या पता है आपको, काश मैं जानता टीपू की तारीख को।
नेतृत्व में कहा गया टीपू सुल्तान ने 1742 में 5000 अहमदाब दोनों का कत्ले आम किया। तारीख यह है कि टीपू सुल्तान का जन्म 1749 में हुआ। कभी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे बाप को बदनाम किया गया। मैं चाहता पूछू सहने वाले से जो कोई इंसान पैदा होने के 10 साल पहले किसी का कत्ले आम कैसे कर सकता है? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं थी? वही बात की शर्मा का आपने जिक्र किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा ही भाई बहादुर शाह सफर को मोदी के साथ कंपेयर करता है, मेरा ही मुसलमान भाई। लगा सुल्तान का बदनाम किया गया। अगर आप में थोड़ी भी हिस्सा होंगी या थोड़ी भी शर्म होंगी तो सुन लीजिए, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। लगा सुल्तान के बारे में लिखा गया है इस्लामिक शिक्षण की भी पैदा है लगा सुल्तान। क्या मुर्दा हो लगा सुल्तान? आपकी कोई नहीं थी इस्लामिक कॉन्वर्टी से पैदा लगा सुल्तान के बाद आपका लिखा गया है मुस्लिम आवाजी राष्ट्र सिखो यह लिखा गया है। 1000 सालों की तारीख को मुझे बदनाम नहीं किया गया। जो दलित समाज बहुजन समाज आपसे जो दूर हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उनके जहनों में आपके लिए जहर बोया गया, आज वो आपसे दूर हुआ है। टीपू सुल्तान का बदनाम किया, टीपू सुल्तान का क्यों बदनाम किया? वह टीपू सुल्तान जब राजनीति पर बैठता है तो क्या करता है? हमारे पास इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से पहले पार्टी से एक मैनिफेस्टो देती है, जाहिरनामा देती है, देती है ना। लेकिन टीपू सुल्तान जब राजनीति पर बैठा है तो अपनी आवाम को जाहिरनामा लिख कर देता है, उसमें 7 कलम है, आपके सामने पेश करता हूं। पहला कलम है, अल्लाह के कानून के हिसाब से हुकूमत करूंगा, उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। दूसरा कलम है, समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। तीसरा कलम है, मेरी रियासत में भ्रष्टाचार घुसखोरी इसको लगाम लगाऊंगा और अपने वालिद की इजाजत के बगैर किसी से तोहफा ले लूंगा। आगे लिखते हैं कि मेरी रियासत में तजारत इंसाफ बरकरार करूंगा। सिपाने टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले में तजारती बोर्ड नाम की एक कंपनी बनाई और क्या किया उस कंपनी को बनाकर, उस कंपनी को बनाकर डायरेक्ट क्षेत्रियों को जो है तो किसानों को मेंबरशिप दी। कुर्बानी गई थी टीपू की, टीपू करके समाज में फैले अंधविश्वास को रूढ़ी परंपराओं को मैं खत्म करूंगा। टीपू कहते कि मेरे देश के दुश्मन वहां पर सल्तनत का मेरी रियासत का वहां का मेरे देश के दुश्मन अंग्रेजों को इस देश से बनाने के लिए दूसरे मुल्कों से मदद दूंगा। अगर मैं भ्रष्टाचार करता हूं और रियासत के खिलाफ कोई काम करता हूं तो मुझे सरेआम फांसी दी जाए। कौन लिख कर दे रहा है? टीपू सुल्तान लिख कर दे रहा है। हमने क्या कहा? टीपू की नमाजों से बना जो दोस्तों और अल्लाह का मामला था। हमने समाज के अंदर ये नहीं बताया कि टीपू ने इंसाफ कैसा किया। बहादुर शाह सफर को बदनाम किया गया। मौलाना आजाद को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद मौलाना आजाद की सबसे बड़ी तोहीन यही थी कि उनके इंतकाल के बाद जब उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया तो यही हुकूमत जो वक्त की जो हुकूमत थी उस हुकूमत को इतना भी गवारा नहीं गुजरा कि मौलाना आजाद के अहलखाना के पास जाकर भारत रत्न दिया जाए, उनको पुष्ट देकर भारत रत्न भेजा गया। यह तोहीन यही थी मौलाना आजाद की जिसने इस मुल्क का मुकम्मिल और जामे तालीमी निजाम दिया। आज कितने मदरसों में मौलाना आजाद की जयंती के मौके पर तालीम दिन मनाया जाता है, शिक्षण दिवस मनाया जाता है। सभी हमने पूछा, आज हम सिर्फ गाली देते रहे, असल आपके तालीमों को बदनाम किया गया, उनको खदेड़ा गया, तोहीन की गई, पुछला गया। सूफियों का तारीख को हमने नहीं पढ़ा। आज जो दो कौमों के बीच में दरार है उसकी जिम्मेदार दूसरे कोई लोग है, कुछ और वजुआत होंगी। मेरे नजदीक सबसे बड़ी वजुआ यह है कि हमने संवाद साधने का रास्ता छोड़ दिया, हमने बातचीत करना छोड़ दिया, हमने कम्युनिकेशन करना छोड़ दिया। सूफियों की तारीख को उठाकर देखिए, सूफियों ने कहा क्या काम किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेते हैं, उस दौर में हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के रास्तों पर झाड़ा करते थे और मरीजों का इलाज किया करते थे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वजह थी आज? क्या वजह है? क्या वजह है कि जो कौन आपके पास अपनी दौलत रखती थी अमानत के तौर पर, जो उन्हें भरोसा था कि मुसलमान कभी अपनी अमानत
अमानत में खयानत नहीं करता। आज वही कौम आपको गुनहगार की नजर से चूम